अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद प्यारे भाइयों और बहनों। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास एट मैथ्स एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 9 से। इस एक्सरसाइज की पार्ट वन में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक सॉल्व किया। आप जब भी ये वीडियो देखें ना, तो आपके सामने टेक्स्ट बुक को रखना, ठीक है। क्वेश्चन मैंने समझा दूंगा और आप टेक्स्ट बुक से मिला लेना। क्वेश्चन बहुत लंबी होगी, क्वेश्चन लिखने से पूरा बोर्ड कवर हो जाएगी, तो सोल्यूशन करने की जगह ही नहीं बचेगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ए शॉपकीपर बाइज 100 पेंस फॉर ₹200 एंड सेल्स 20 ऑफ देम एट ए गेन ऑफ 10%। एट व्हाट गेन परसेंट मस्ट ही सेल द रिमाइंडर सो एज टू गेन 20% इन ऑल। तो इस क्वेश्चन में कहा गया कि एक दुकानदार जिन्होंने 100 कलम को ₹200 में खरीद किया, ये कॉस्ट प्राइस है, खरीद किया ना, एंड सेल्स 20 ऑफ देम एट ए गेन ऑफ 10%। और इनमें से इन 100 कलम में से 20 कलम 10% प्रॉफिट पर बेच दिया, सेल कर दिया। एट व्हाट गेन परसेंट मस्ट ही सेल द रिमाइंडर सो एज टू गेन 20% इन ऑल। तो जो पेन बचा हुआ है, जो कलम अभी तक हाथ में है, बेचने के लिए बाकी है, इनको कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचने पर ओवरऑल 20% प्रॉफिट आएगी। तो यहाँ देखिए, ये जो क्वेश्चन है, टोटल पेन्स कितने हैं, 100 है, 100 पेन्स। तो कॉस्ट प्राइस 100 पेन की कॉस्ट प्राइस 200 है, ठीक है। तो इनमें से 20 पेन 20 कलम बेच दिया, और कितने परसेंट, 20 शॉर्ट, शॉर्ट मतलब बेच दिया कितने पर, 10% प्रॉफिट पर, ठीक है, 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट पर 20 कलम को बेच दिया। तो बाकी जो 80 कलम बचा है ना, 20 तो बेच दिया, 20 बेच दिया, टोटल 100 है, तो इनमें से कितने बचा, 80 बचा है ना, 80 पेंस बचा है। तो इन 80 पेंस को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचने के बाद ओवरऑल, मतलब सारे के सारे कलम पर 20% प्रॉफिट मिलेगी। तो हमें प्रॉफिट कितनी चाहिए, 20% प्रॉफिट ओवरऑल चाहिए, ओवरऑल प्रॉफिट, प्रॉफिट 20% ओवरऑल चाहिए। तो अब बाकी कितने, 80% बचा है। तो सॉल्यूशन में देखिए, CP of 100 पेंस इज इक्वल टू ₹, 100 कलम थे ना, तो ₹200 कॉस्ट प्राइस थे 100 के। अब देखिए, तो हमें ओवरऑल 20% चाहिए ना, ओवरऑल प्रॉफिट 20% चाहिए। तो इस 200 जो कॉस्ट प्राइस है ना 100 कलम की, तो इस 200 पर 20% प्रॉफिट लगा दीजिए, तो देखते हैं कितने प्रॉफिट आने वाले हैं 20% 200 के 20% में। तो देखिए, देयरफॉर 20% प्रॉफिट 100 पेंस इज इक्वल टू, 100 पेंस की कॉस्ट प्राइस क्या है, 200 है, तो यहाँ 20% प्रॉफिट है ना, तो 20/100 इंटू सीपी कितने, 200 है, इज इक्वल टू ₹, यहाँ देखिए 20 से 20 काटते हैं, तो 20×20=40 रुपये। तो देखिए, ओवरऑल प्रॉफिट आपको ₹40 आना चाहिए, ओवरऑल प्रॉफिट कितने आना चाहिए, ₹40 आना चाहिए। अगर 20% प्रॉफिट आपको चाहिए ना, तो आप देखिए यहाँ 20 पेन शॉर्ट एट 10% प्रॉफिट, 20 कलम को 10% मुनाफा पर बेच दिया गया। तो आप इन 10% के 20 पेन पर 10% निकल लेते प्रॉफिट। तो देखिए, 20 कलम पर 10% प्रॉफिट निकलने के पहले हमें इस 20 कलम की कॉस्ट प्राइस निकलनी है ना। तो आप देखिए, सीपी ऑफ 20 पेंस इज इक्वल टू ₹, 20 पेंस है ना, तो 100 की कॉस्ट प्राइस अगर 200 है, 100 की 200 है, तो 20 कितने आएगी, 20 से इंटू कर देना, 200/100×20, तो 0 से 0 2 0 कट जाए, तो देखिए 220 ₹40। तो देखिए, 20 कलम की कॉस्ट प्राइस 40 है। अब इस 40 पर 10% प्रॉफिट लगाइए, तो देयरफॉर 10% प्रॉफिट ऑन 20 पेंस इज इक्वल टू 10% प्रॉफिट, तो 10% मतलब 10/100×40 इज इक्वल टू ₹। अब देखिए, 100 ₹4, सिर्फ ₹4 आ रही है, मतलब क्या है, 10% प्रॉफिट 20 कलम पर ₹4 आ रही है। देखिए, यहाँ ओवरऑल प्रॉफिट हमें ₹40 चाहिए, तो इनमें से ₹4 20 कलम पर ₹4 हमें मिल गए, तो अब बाकी कितने हैं, तो देयरफॉर रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹40 - ₹4 इज इक्वल टू ₹36। अब देखिए, ₹36 प्रॉफिट कितने कलम पर आना चाहिए, 100 - 20 तो बेच दिया, 20 कलम तो बेच दिया, तो आप कितने बाकी है, 80 पेंस बाकी है, 80 पेंस। तो
इस 80 पेंस पर 36 रुपये प्रॉफिट आना चाहिए। तो देयर फॉर आप लिखना सिंपल से एक बात, देखिए आप कितना प्रॉफिट चाहिए, 80 कॉलम पर 36 रुपये प्रॉफिट चाहिए, तो ये कितने परसेंट है? 80 80 कॉलम पर ये 36 रुपये प्रॉफिट कितने परसेंट है इसको निकाल लीजिए। तो एक काम करना, 80 कॉलम की कॉस्ट प्राइस निकाल लेना। तो देयर फॉर आप देखिए सी पी ऑफ 80 पेंस इज इक्वल टू रुपीज क्या है कि देखिए 20 के सी पी क्या है 40 है, तो इससे 40 माइनस कीजिए रुपीज़ 200 माइनस रुपीज़ 40 इज इक्वल टू रुपीज़ 160। कैसे देखिए 20 तो बेच दिया दुकानदार ने, 20 कलम बेच दिया, अब बाकी है 80 कलम, तो 20 कलम की कॉस्ट प्राइस 40 रुपये और टोटल कॉस्ट प्राइस 200 रुपये, तो इस 40 रुपये को मतलब 20 कलम के कॉस्ट प्राइस 40 रुपये माइनस कर दीजिए तो 80 कलम की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, तो 80 कलम की कॉस्ट प्राइस 200 माइनस 40 इज इक्वल टू रुपीज़ 160। ठीक है, तो आप देखिए देयरफॉर तो यहाँ क्वेश्चन में तो ऐसा कह रहा है कि ये जो बाकी 80 कलम है ना, इस 80 कलम को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचने के बाद ओवरऑल मतलब ये पूरा 100 कलम पर प्रॉफिट कितने आना चाहिए, 20% आना चाहिए। तो देखिए ये 160 रुपये की कलम अभी भी हाथ में है, बेचने के लिए बाकी है, तो 20% प्रॉफिट होने के लिए 36 रुपये अभी भी बाकी है। तो देखिए 36 रुपये 160 की कितने परसेंट है, तो अब ऐसा ही लिखना प्रॉफिट परसेंट ऑन 80 पेंस। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलते हैं, प्रॉफिट परसेंट एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या है 36 है, तो 36 बाई कॉस्ट प्राइस कितने 160 है, अच्छा इंटू 100, तो 10 से 10 काट देना। अब देखिए फर्दर ऐसे ही कर सकते हैं, 4 9 36, 4 4 16, 2 5 10, 2 2 4, तो 5 9 45, 45/2, तो इज इक्वल टू 45/2% और 22.5%, या फिर 22 कंप्लीट हाफ, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, तो आप फाइनली ऐसे ही लिख सकते हैं, दी रिमेनिंग पेंस शुड बी सोल्ड एट 22.5% प्रॉफिट। तो कंप्लीट आंसर हो गया भाई। अगर आप लोगों में से किसी ने इस एक्सरसाइज के पार्ट वन नहीं देखे, पार्ट वन वीडियो नहीं देखना, तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि यहाँ मैंने ये जितने सारे फॉर्मूले हैं ना, इनके साथ और भी कुछ फॉर्मूले हैं, इन डिटेल्स डिस्कस किया। और अगर आप लोगों ने पार्ट वन अच्छे से समझ लिया ना, तो इन सारे प्रॉब्लम्स आप जितने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, इनको समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, वरना आप बहुत दिक्कत में फंस जाएंगे। आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए न्यू किचन वेयर इज सोल्ड बाय ए मैन्युफैक्चरर हु मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%, द होलसेलर हु बाय इट मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेलिंग इट टू द रिटेलर, ड्यू टू हैवी कंपटीशन द रिटेलर इनकर्स ए लॉस ऑफ 5% व्हेन ही सेल्स ईच आइटम फॉर ₹47.50, व्हाट वाज द सेल प्राइस एसपी ऑफ द मैन्युफैक्चरर। तो इस क्वेश्चन में देखिए किसी एक किचन वेयर मतलब रंधनशाला की एक चीज सामान, इसको बेचा जाता है मैन्युफैक्चरर के द्वारा, मतलब कंपनी या फिर फैक्ट्री कह सकते हैं, कंपनी या फिर फैक्ट्री के द्वारा 20% प्रॉफिट पर होलसेलर के पास, और उसी चीज़ को होलसेलर ने 25% प्रॉफिट पर किसी रिटेलर दुकान पे बेच देती है, और वो रिटेलर दुकान क्या करती है इसको 5% लॉस पर बेचती है, क्योंकि हैवी कंपटीशन चल रही है, इसलिए इसकी डिमांड डाउन हो रही है, तो इसको लॉस में बेचनी पड़ती है, तो 5% लॉस में बेचा, तो व्हेन ही सेल्स ईच आइटम फॉर ₹47.50, व्हाट वाज द सेल प्राइस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, तो मैन्युफैक्चरर के पास इसकी सेल प्राइस क्या थी। तो देखिए इनिशियली देखिए ये जो यहाँ तीन तबका है, तीन तबका में इस चीज़ को बेचा गया किचन वेयर को, तो फास्ट देखिए जो रिटेलर है ना, फास्ट देखिए मैन्युफैक्चरर ने किसको बेचा, होलसेलर को बेचा, और होलसेलर ने किसको बेचा, रिटेलर को बेचा, और रिटेलर ने अल्टीमेटली कस्टमर के पास बेचा। तो ये जो रिटेलर ने कितने तक कितने अमाउंट पर बेचा, ₹47.50 रुपये में बेचा कस्टमर के पास बेचा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ कितने परसेंट लॉस हुआ 5%, ये 5% लॉस है, 5% लॉस पर बेचा कस्टमर के पास। ठीक है, अच्छा होलसेलर ने कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा, 25% प्रॉफिट पर, प्रॉफिट ये क्या है, प्रॉफिट है 25% किसके पास, रिटेलर के पास, और मैन्युफैक्चरर ने 20% प्रॉफिट पर किसके पास, होलसेलर के पास बेचा। ठीक है, तो क्वेश्चन के समरी मोटा मोटी ऐसा ही है, आप सॉल्यूशन देखना। तो
देखिए हम यहाँ से चलेंगे ऊपर, एकदम नीचे से ऊपर तक चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो सेल प्राइस है ये रिटेलर के पास है, तो हमें मैन्युफैक्चरर के पास जो सेल प्राइस है इसको निकलना है, ठीक है। तो देखिए रिटेलर ने कस्टमर के पास पैसा, तो यहाँ देखिए कस्टमर से हमें कोई लेना देना नहीं, कस्टमर से हमें कोई लेना देना नहीं। तो आपको बेहतर ढंग से समझाने के लिए यहाँ ऐसा ही एक पैटर्न बनाया, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब इतने तक रिटेलर तक है। रिटेलर ने 47.50 रुपये में और ये किचन वेयर को बेचते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक थाला है, मान लीजिए एक थाला है, ये भी किचन वेयर होते हैं ना, तो एक थाला की कॉस्ट सेल प्राइस, यहाँ सेल प्राइस है, ये सेल प्राइस है, एसपी है, ठीक है, एसपी है 47.50 रुपये, ठीक है। अच्छा तो इस पर 5% लॉस हुआ, तो ये सेल प्राइस है। तो देखिए यार एसपी टू रिटेलर इज इक्वल टू रुपीज 47.50, ठीक है। अच्छा लॉस इज इक्वल टू 5%, तो हमें सेल प्राइस चाहिए, सॉरी कॉस्ट प्राइस चाहिए। देयरफॉर सीपी टू रिटेलर के पास इसकी सीपी क्या थी, तो देखिए यहाँ सीपी की फॉर्मूला निकाली, तो ये भी सीपी की फॉर्मूला है, ये भी है, तो यहाँ देखिए जब लॉस है तो लॉस वाली फॉर्मूला हमें चाहिए, तो ये लॉस है, देखिए तो लॉस की फॉर्मूला ये है ना। तो इन सारे फॉर्मूला मैंने डिटेल्स एक्सप्लेन किया पहले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना प्लीज़। तो देखिए सीपी टू रिटेलर, तो सीपी की फॉर्मूला क्या है, लॉस वाली फॉर्मूला है ना, तो 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट, तो यहाँ लॉस परसेंट क्या है 5 है, 5 इंटू एसपी, तो एसपी यहाँ क्या है 47.50। अच्छा इज इक्वल टू, अब देखिए 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 5 95, अच्छा इंटू 47.50 इज इक्वल टू, यहाँ रुपीज लिख देना फाइनली। तो देखिए यहाँ कैंसिल मत करना, 100 से इसको इंटीग्रेट देने से डेसिमल पॉइंट यहाँ आ जाएगी, मतलब 4750 हो जाएगी, ठीक है, डेसिमल पॉइंट हट जाएगी। अब 95 से इसको डिवाइड देना, 95 से, तो अगर 95 से डिवाइड दिया जाए ना, तो देखिए 5 19 95, अच्छा 5 47 है ना, 5 9 45, तो क्या बचा 225 है, 5 5 25, यहाँ 10 है, 5 0 0, 19 से इसको फिर से डिवाइड देना, तो 19 1 19 19 5 95 और 19 0 0, तो 50 आ रही है, तो रुपीज़ 50 है। तो मतलब क्या है, ये जो रिटेलर है इनके पास ये जो किचन वायर है जिसको 47.50 रुपये में बेचा, इसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी 50 रुपये थी। अब एक चीज़ देखना, अच्छे से देखना भाई, ये जो कॉस्ट प्राइस रिटेलर के पास है, तो वही कॉस्ट प्राइस होलसेलर के पास क्या है, सेल प्राइस है, तो वही होलसेलर के पास सेल प्राइस है ना। अच्छा क्योंकि इस कीमत पर होलसेलर ने रिटेलर के पास वही चीज़ बेचा था, तो देयरफॉर आप लिखना एसपी टू होलसेलर इज इक्वल टू रुपीज 50, ठीक है, समझ में आया ना। आप देखिए होलसेलर ने 25% प्रॉफिट कमाया इस पर, 25% प्रॉफिट कमाया, तो होलसेलर के पास सीपी क्या थी, ये जो सीपी रिटेलर के पास थी वही सीपी होलसेलर के पास तो एसपी थी ना, तो अब होलसेलर के पास सीपी क्या थी, तो देयरफॉर एसपी टू होलसेलर रुपीज 50, और प्रॉफिट इज इक्वल टू होलसेलर के पास प्रॉफिट क्या थी 25%, तो देयरफॉर सीपी टू होलसेलर इज इक्वल टू, तो सीपी की फॉर्मूला देखिए, सीपी की फॉर्मूला यहाँ प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट वाला फॉर्मूला देखना, तो वन नंबर फॉर्मूला, तो 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट यहाँ क्या है 25 है, इनटू क्या है एसपी है, तो एसपी क्या है यहाँ 50, तो होलसेलर के पास एसपी है ना, तो रुपीज 50। अच्छा इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 25, 125 इनटू 50 इज इक्वल टू रुपीज, यहाँ फाइनली रुपीज लिख देना। तो देखिए यहाँ इसको काट देना, राफ काट लेना, 100 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 50, तो आप देखिए 25 5 125 25 4 100 5 10 50, अच्छा और 4 10 40, तो 40 रुपये, रुपीज़ 40, ये क्या आया, ये जो 40 रुपीज़ आया ना, ये होलसेलर के पास सीपी थे, होलसेलर के पास सीपी थे। आप देखिए देयरफॉर हमें क्या चाहिए, एसपी चाहिए ना, किसके एसपी चाहिए, मैन्युफैक्चरर के पास एसपी चाहिए, तो ये जो होलसेलर के पास 40 रुपये सीपी है ना, वही एसपी मैन्युफैक्चरर के पास थी, क्योंकि इसी ही कीमत पर मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा था, ठीक है। तो देयरफॉर आप लिखना एसपी टू होलसेलर इज रुपीज 40,
तो यह होता है भाई फाइनल आंसर। अच्छा सॉरी, यहाँ होल सेलर नहीं, यहाँ मैन्युफैक्चरर, क्योंकि यह होल सेलर के पास कॉस्ट प्राइस है तो मैन्युफैक्चरर के पास सेल प्राइस है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 32 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 dozen ऑफ देम, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। इस क्वेश्चन में देखिए 32 आर्टिकल्स, 32 चीज, किसी भी सामान 32 पीस की जो कॉस्ट प्राइस है, वही वही चीज 2 dozen मतलब क्या है, 2 × 12 = 24 पीस, वही 24 पीस की सेलिंग प्राइस के बराबर है। क्या है देखिए, यह टोटल 32 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स 32, तो इसकी कॉस्ट प्राइस, इसकी सीपी क्या है, सेल प्राइस ऑफ एसपी ऑफ 24 आर्टिकल्स। ठीक है, हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट चाहिए, गेन या लॉस परसेंट, तो गेन मतलब तो प्रॉफिट है। तो 11 नंबर के सोल्यूशन देखिए, यह देखिए थोड़ा सा लेट करनी पड़ेगी, लेट द एसपी ऑफ 32 आर्टिकल्स इज इक्वल टू ₹32। हमने लेट किए थे कि 32 आर्टिकल की सेल प्राइस ₹32, सेल प्राइस ₹32, मतलब एक आर्टिकल की ₹1, मतलब क्या है पर आर्टिकल ₹1। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं पर आर्टिकल इज इक्वल टू ₹1, यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं पर आर्टिकल ₹1। ठीक है, तो आप देखिए 32 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या, 24 आर्टिकल की सेल प्राइस के बराबर है, 24 सामान की सेल प्राइस के बराबर है। तो 24 सामान की, देखिए 32 सामान की सेल प्राइस अगर ₹32 है तो 24 की क्या होगी, ₹24 ही होंगे ना। तो देयरफॉर एसपी ऑफ 2 dozen और 2 dozen मतलब 24 आर्टिकल्स इज इक्वल टू ₹24। तो देखिए 32 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस ₹24 है ना, तो 32 की सेल प्राइस अगर ₹32 है और 32 की कॉस्ट प्राइस ₹24 है, तो यहां से प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹32 - ₹24 इज इक्वल टू ₹8 है। तो आप देखिए प्रॉफिट और गेन पर है, तो यहां तो प्रॉफिट आ रही है, तो प्रॉफिट परसेंट ही होगी। तो देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, यहाँ गेन परसेंट भी लिख सकते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट क्या है, फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या है, ₹8 डिवाइडेड बाय सीपी, कॉस्ट प्राइस क्या है, 32 की कॉस्ट प्राइस तो 24 की सेल प्राइस के बराबर है, तो 24 की सेल प्राइस क्या है, ₹24, तो 24 × 100। तो देखिए रफ कैलकुलेट कीजिए, 8 × 24 × 100, तो 8 × 1 = 8, 8 × 3 = 24, तो 100/3 हो रही है, तो 100/3 मतलब इज इक्वल टू 33.13%, मतलब 33.33% ऐसा ही हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ 1/3 भी लिखने से हो जाएगी। तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालने चाहिए था ना, तो हमने निकाल के दिखाया, ये तो था क्वेश्चन के समरी। तो ये होते हैं भाई आंसर, इजी बहुत चीज़ें। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिस्टर जोशी बाइज एन इस्टेट फॉर ₹34 लाख, he builds a boundary wall around it at a cost of ₹2 lakh, he sells 2/5 of it at a loss of 20% and 1/3 of it at a gain of 25%, at what gain percent must he sell the remainder so as to make a profit of 5% on the whole। मिस्टर जोशी ने किसी एक रियल इस्टेट को खरीदते हैं ₹34 लाख पर, और इसकी बाउंड्री पर और भी थोड़ा सा खर्चा लगाते हैं, मतलब 2 लाख खर्चा लगाते हैं, तो कुल मिला के 34 लाख और 2 लाख 33 लाख 36 लाख रुपीज़ की कॉस्ट प्राइस होती है। ये जो स्टेट है, स्टेट मतलब बागान टाइप की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अच्छा, ही सेल्स 2/5 ऑफ इट एट अ लॉस ऑफ 20%। तो देखिए इन्होंने टोटल कीमत क्या है, 36 लाख प्लस 2 लाख इज इक्वल टू 34 लाख, तो इज इक्वल टू 36 लाख, ये एल मतलब लाख है। ठीक है, तो टोटल कीमत है, कॉस्ट प्राइस है 36 लाख, तो इसमें से 2/5, ये जो स्टेट है इसकी 2/5 5/2 20% लॉस पर बेचते हैं 20% लॉस पर। ठीक है, तो 2/5 ये कितने पर लॉस 20%,
टू बाई फिफ्थ पर लॉस होता है 20%। अच्छा, इसके बाद देखिए वन थर्ड ऑफ इट एट अ गेन 25%। इसकी वन थर्ड 20% गेन पर, गेन मतलब प्रॉफिट, 20% गेन पर बेचते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए एट व्हाट गेन परसेंट मस्ट ही सेल द रिमेनिंग द रिमाइंडर सो एज टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 5% ऑन द होल। तो देखिए जो रिमाइंडर जो बचा है ना, रिमाइंडर जो बचा है, इसको कितने परसेंट पर, कितने प्रॉफिट परसेंट पर, कितने प्रॉफिट परसेंट पर बेचने पर ओवरऑल 5% प्रॉफिट आएगी, 5% प्रॉफिट ओवरऑल, कितने परसेंट प्रॉफिट पर, बाकी जो बचा है ना स्टेट, इस पर्सन को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचने के बाद इनको होल पूरे 36 लाख की प्रॉपर्टी पर 5% प्रॉफिट आएगी, ठीक है। तो देखिए 12 नंबर सॉल्यूशन, यहाँ देखिए सीपी ऑफ स्टेट इज इक्वल टू रुपीज 36 लाख प्लस रुपीज 2 लाख इज इक्वल टू रुपीज, सॉरी 36 लाख, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन की समरी है, इतने तक क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से सॉल्यूशन है, तो देखिए 36 लाख कॉस्ट प्राइस है। अच्छा, आप देखिए टू फिफ्थ लॉस पर बेचाना 20%, सी पी ऑफ टू फिफ्थ ऑफ स्टेट, मतलब 5 बटा करके 2 बटा के ना, तो इज इक्वल टू 2 बाई 5 इंटू टोटल स्टेट, टोटल ये जो स्टेट है प्रॉपर्टी है इसकी कीमत क्या है 36 लाख, तो 36 लाख मतलब 36 के बाद 5 जीरो है, तो इज इक्वल टू रुपीज देखिए 14,40,000 आ जाएगी, 14,40,000 आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो इस पर क्या है, लॉस है 20%, लॉस 20% है ना, लॉस इक्वल टू 20%, तो देयरफॉर तो इस पर टोटल लॉस क्या आया, टोटल लॉस कितने अमाउंट आया, तो ये तो सीपी है ना, तो इसकी 20%, इसकी 20% लॉस होगी, देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू 20/100 इंटू 14,40,000 इज इक्वल टू रुपीज, आप कैलकुलेट करना। तो देखिए 10 से 10 यहाँ से भी 10 काट लेना, तो देखिए 144 ना, तो 288 मतलब 2,80,000 हो जाएगी, यह है लॉस। ये तो टू फिफ्थ स्टेट बेचाना, इस पर लॉस हुआ 2,80,000 रुपये, ठीक है। अब देखिए वन टार्ट, तो ये जो वन टार्ट है 20% गेन पर बेचा, अच्छा सॉरी ये 20% नहीं 25% है, 25% गेन पर। अब देखिए सी पी ऑफ वन थर्ड स्टेट, वन थर्ड ऑफ स्टेट इज इक्वल टू 1/3 इंटू 36 लाख इज इक्वल टू रुपीज 12 लाख, 3×12=34 है ना। तो इस पर क्या हुआ, 25% गेन हुआ, तो देयरफॉर गेन मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू 25% है ना, तो 25/100 इंटू 12 लाख इज इक्वल टू रुपीज देखिए 25 × 4 = 100 और 4 × 3 = 12 काट गया, और यहाँ बाकी जितने सारे जीरो है यहाँ लगा देना, 1, 2, 3, 4, 5 तो 3 लाख होगी ना, तो देखिए रुपीज 3 लाख। तो यहाँ देखिए वन थर्ड स्टेट पर 25% गेन में मतलब 3 लाख प्रॉफिट आया। तो आप देखिए टोटल प्रॉफिट कितने आना चाहिए, 5% आना चाहिए, या क्वेश्चन में देख लीजिए 5% टोटल प्रॉफिट आना चाहिए, 5% ओवरऑल। तो देखिए आप देखिए ना, 5% प्रॉफिट 1 रुपीज 36 लाख, यहाँ LKH लाख ऐसा ही लिख देता हूँ, तो इजिकल रुपीज 5% मतलब 5/100 इंटू 36 लाख, तो इजिकल टू रुपीज, तो देखिए 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो काट लेना, तो 1, 2, 3 जीरो तो आ जाएगी, 1, 2, 3, अच्छा 5, 6 = 30, 0 कैरी ओवर 3, 5, 3 = 15 + 3 = 18, तो 1,80,000, 1,80,000 रुपये टोटल होना चाहिए। आप एक चीज़ देखना, यहाँ कितने रुपये की स्टेट अभी भी बेचने के लिए बाकी है, तो देखिए टू फिफ्थ बेचा, वन थर्ड भी और एक बार बेचते, तो टू फिफ्थ में देखिए अमाउंट कितने है, 14,40,000, और वन थर्ड के अमाउंट देखिए कितने, 12 लाख है,
तो देखिए रिमेनिंग स्टेट इज इक्वल टू रुपीज टोटल कितने की 36 लाख के, तो 36 लाख माइनस इन दोनों अमाउंट को माइनस कर देना 14 लाख 40,000 माइनस 12 लाख ठीक है, तो माइनस 14,40,000 माइनस 12 लाख इज इक्वल टू रुपीज कितने रुपये आएंगे, तो 9,60,000 आएगी 9,60,000 ठीक है, 9,60,000 रुपये की स्टेट अभी भी बाकी है बेचने के लिए। तो देखिए आप प्रॉफिट और लॉस के एडजस्टमेंट कर लेना, यहाँ से इरेज करता हूँ। आप देखिए रिमेनिंग प्रॉफिट ऐसा है, रिमेनिंग प्रॉफिट, तो रिमेनिंग प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट क्या है, टोटल प्रॉफिट कितने आना चाहिए, 1,80,000 रुपये आना चाहिए। तो 1,80,000 ये तो प्रॉफिट, इससे तो ये प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट आ रही है ना, प्रॉफिट आ रही है, मतलब 1/3 की प्रॉफिट 3 लाख है, तो इस 3 लाख को इससे माइनस करना, और ये जो लॉस आया लॉस 2,80,000 की, इसको इसके साथ ऐड करनी पड़ेगी, ऐड कर देना ठीक है। तो प्लस रुपीस 2,80,000 माइनस रुपीस 3 लाख, इज इक्वल टू रुपीस, आप एडजस्टमेंट कर लेना तो इज इक्वल टू रुपीस 1,60,000। तो ये रिमेनिंग मतलब क्या है, आप जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी है ना 9,60,000 की प्रॉपर्टी है, इस पर 1,60,000 प्रॉफिट आना चाहिए। अब लिखना देयरफॉर द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन रिमेनिंग स्टेट, द प्रॉफिट परसेंट ऑन रिमेनिंग स्टेट इज इक्वल टू कितने रुपये प्रॉफिट आना चाहिए, 1,60,000, तो 1,60,000 कौन से कॉस्ट प्राइस पर, 9,60,000 पर डिवाइडेड बाई 9,60,000, तो प्रॉफिट परसेंट तो इनटू 100 होगी, तो इज इक्वल टू, अच्छा देखिए यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया, फिर से इसको इंटू करने से यहाँ 88 होगी, 80 नहीं 288 मतलब 2,88,000 होगी ठीक है, तो यहाँ लॉस हुआ ना, अच्छा तो यहाँ 2,88,000 हो जाएगी, 88,000 ठीक है। अच्छा आप देखिए यहाँ भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, हाँ 1,68,000 हो जाएगी, तो ये जो 1,68,000 प्रॉफिट है ना, इस 9,60,000 की जो प्रॉपर्टी है इस पर आना चाहिए, तो द रिमेनिंग प्रॉफिट परसेंट, तो द प्रॉफिट परसेंट ऑन रिमेनिंग स्टेट इज यहाँ 1,68,000, तो यहाँ 17.5% होगी, 17.5% साढ़े 17% प्रॉफिट पर बेचना चाहिए जो रिमेनिंग स्टेट है, मतलब 9,60,000 की जो स्टेट है इसको 17.5% प्रॉफिट पर बेचना चाहिए, ताकि ओवरऑल 36 लाख की प्रॉपर्टी पर 5% प्रॉफिट आए। आप क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बॉल पॉइंट पेन्स वर सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20%, इफ दे हैड बीन सोल्ड एट रुपीज 70 मोर देयर वुड हैव बीन ए गेन ऑफ 3 1/3%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। बॉल पेन 20% लॉस पर, 20% लॉस पर बेचा जाता है, सॉल्ट बेचा जाता है ठीक है, तो अगर सेल प्राइस जितने हैं इस पर 70 रुपये और भी होता, मतलब सेल प्राइस जितने हैं इससे 70 रुपया ज़्यादा सेल प्राइस हो जाता, तो प्रॉफिट होता, गेन होता 3 1/3%, 3 1/3% गेन होता, मतलब सेल प्राइस जितने हैं ना इस पर 70 रुपये अगर ऐड होता, ज़्यादा होता, तो प्रॉफिट परसेंट 3 1/3% होता। तो कॉस्ट प्राइस क्या थे ठीक है, फाइंड दी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या थे, तो यहाँ देखिए कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ कॉस्ट प्राइस लेट करनी पड़ेगी, तो लेट दी कॉस्ट प्राइस बी रुपीज एक्स, एक्स रुपये कॉस्ट प्राइस लेट किया। आप देखिए 20% लॉस पर बेचा गया, वही चीज़ को 20% लॉस पर बेचा गया ना, तो देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू रुपीस, 20% लॉस है ना, तो लॉस प्रॉफिट लॉस तो कॉस्ट प्राइस पर होते हैं, तो यहाँ कॉस्ट प्राइस कितने एक्स है, तो कितने मतलब 20%, तो 20% मतलब 20/100 इंटू किस पर, कॉस्ट प्राइस पर, तो कॉस्ट प्राइस क्या है एक्स है, तो एक्स इज इक्वल टू रुपीस, टोटल लॉस क्या है, यहाँ से काट कुट कर लेना, तो 20 1/20 25/100, तो यहाँ ऊपर x है, तो x by 5 रुपीस x by 5 है, ये क्या है लॉस है, ये x by 5 क्या है लॉस है। अब देखिए ये तो लॉस है और ये कॉस्ट प्राइस है,
ये क्या है, कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी है, सीपी है ना। अच्छा आप देखिए सेल प्राइस, तो देयरफॉर सेल प्राइस एसपी इज इक्वल टू, आप देखिए एसपी, तो यहाँ देखिए लॉस है और कॉस्ट प्राइस है, तो देखिए सेल प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस से कम होगी, क्योंकि यहाँ लॉस हो रही है। लॉस के केस में क्या होता है, सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो जाते हैं, और प्रॉफिट के केस में ज़्यादा होते हैं। सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होते हैं तब तो ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं। तो देखिए एस पी इज इक्वल टू सी पी माइनस लॉस, तो इज इक्वल टू सी पी क्या है, एक्स है, तो सी पी क्या है, एक्स है, तो एक्स माइनस लॉस क्या है, एक्स बाई फाइव है, एक्स बाई फाइव इज इक्वल टू रुपीज। तो एक काम करना, एक्स माइनस एक्स बाई फाइव, तो देखिए फाइव एक्स, फाइव इंटू एक्स फाइव एक्स, माइनस वन इंटू एक्स एक्स डिवाइडेड बाई नीचे फाइव है, तो फाइव एक्स माइनस एक्स फोर एक्स, तो फोर एक्स बाई फाइव हो गए, रुपीज फोर एक्स बाई फाइव हो गए। ये क्या है, सेल प्राइस है, उसी ही चीज़ की सेल प्राइस फोर एक्स बाई फाइव है। अब देखिए ये तो सेल प्राइस आया, ये क्या आया, सेल प्राइस आया, तो अगर इसी ही सेल प्राइस पर सत्तर रुपया ज़्यादा हो जाए, सत्तर रुपया ज़्यादा बेचा जाए, तो थ्री कंप्लीट वन थर्ड परसेंट प्रॉफिट होगी। तो देयरफॉर न्यू सेल प्राइस, न्यू सेल प्राइस एस पी इज इक्वल टू रुपीस, ये क्या है, फोर एक्स बाई फाइव, फोर एक्स बाई फाइव प्लस रुपीस सेवेंटी इज इक्वल टू रुपीस, तो फोर एक्स बाई फाइव प्लस सेवेंटी फोर एक्स, अच्छा यहाँ एक काम करना, यहाँ रुपीस हटा दीजिए, रुपीस हटा दीजिए, फोर एक्स बाई फाइव प्लस सेवेंटी इज इक्वल टू रुपीस, यहाँ रुपीस लिख देना, यहाँ फाइनली रुपीस लिख देना, तो फोर एक्स बाई फाइव प्लस सेवेंटी, तो इज इक्वल टू नीचे वन है, तो फाइव वन जर फाइव नीचे है, और वन इंटू फोर एक्स, फोर एक्स प्लस फाइव सेवेंटी जर थ्री फिफ्टी है, तो फोर एक्स प्लस थ्री फिफ्टी डिवाइडेड बाई फाइव, फोर एक्स प्लस थ्री फिफ्टी डिवाइडेड बाई फाइव है, ये क्या है, न्यू एस पी है। अच्छा ये तो न्यू एस पी है ना, आप देखिए इस न्यू एस पी के मुकाबले कॉस्ट प्राइस निकालिए, मतलब सत्तर रुपया इस पर ऐड करने से ओल्ड सेल प्राइस पर, ये तो ओल्ड सेल प्राइस निकला ना, तो इस पर इसके साथ सत्तर रुपया ऐड करने से नई सेल प्राइस ये हुआ, तो इस नई सेल प्राइस के कॉस्ट प्राइस क्या थे, ठीक है, तो देयरफॉर न्यू कॉस्ट प्राइस, न्यू सी पी इज इक्वल टू, तो सी पी के फॉर्मूला यहाँ लगाइए, तो यहाँ देखिए प्रॉफिट की मामला है, यहाँ गेन है, ठीक है, आप लिखना एंड प्रॉफिट, ये तो प्रॉफिट है ना, सत्तर रुपया ऐड करने से ये प्रॉफिट आता, तो न्यू सेल प्राइस की जो तो ये जो न्यू सेल प्राइस है इसके मुकाबले क्या है, प्रॉफिट थ्री कंप्लीट वन थर्ड, तो थ्री कंप्लीट वन थर्ड परसेंट, और नीचे थ्री है, और थ्री थ्री जो नाइन प्लस वन टेन, टेन बाई थ्री परसेंट, ठीक है, तो देयरफॉर न्यू एस पी इज इक्वल टू, अच्छा अब एस पी की फॉर्मूला लगाइए, सॉरी न्यू सी पी, सी पी की फॉर्मूला लगाइए, तो यहाँ क्या है, देखिए प्रॉफिट के मामला है ना, प्रॉफिट के केस, तो प्रॉफिट के केस में देखिए ये फास्ट वाला फॉर्मूला होगी, तो सी पी इज इक्वल टू थोड़ा सा नीचे लिख दीजिए, देयरफॉर न्यू सी पी इज इक्वल टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई हंड्रेड डिवाइडेड बाई हंड्रेड प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो हंड्रेड प्लस प्रॉफिट परसेंट यहाँ कितने हैं, टेन बाई थ्री है, टेन बाई थ्री है, इंटू क्या है, एस पी है, तो एस पी क्या आया, देखिए न्यू एस पी क्या आया, ये एस पी मतलब न्यू एस पी, क्योंकि यहाँ सी पी न्यू एस पी के मुकाबले सी पी है, तो न्यू एस पी चाहिए, तो न्यू एस पी फोर एक्स प्लस थ्री फिफ्टी डिवाइडेड बाई फाइव है। अच्छा इज इक्वल टू, अब देखिए हंड्रेड डिवाइडेड बाई, इसको एडजस्ट कर लेना, देखिए हंड्रेड प्लस टेन बाई थ्री हो रही है ना, तो इज इक्वल टू नीचे देखिए इसके नीचे वन है, तो थ्री वन जर थ्री एल सी एम, थ्री हंड्रेड जर थ्री हंड्रेड, थ्री हंड्रेड ना, थ्री हंड्रेड प्लस टेन क्या हो जाएगी, थ्री हंड्रेड टेन हो जाएगी, तो यहाँ थ्री हंड्रेड टेन डिवाइडेड बाई थ्री हो रही है, थ्री हो रही है, ठीक है। अच्छा इंटू फोर एक्स प्लस थ्री फिफ्टी डिवाइडेड बाई फाइव हो रही है, अब देखिए ये जो थ्री है ये ऊपर चला जाएगी, तो इंटू थ्री हो जाएगी ऊपर, ठीक है, अब देखिए इस जीरो से इस जीरो को काट लेना, ठीक है। अच्छा यहाँ फाइव टू जर टेन काट देना, अच्छा आप ऊपर क्या बचा, देखिए ये जो थ्री है तो थ्री टू जर सिक्स होगी, इसके बाद इस चीज़ को इंटू करना सिक्स से, तो इज इक्वल टू यहाँ देखिए नीचे थर्टी वन है, तो देखिए टू थ्री जर सिक्स है, सिक्स फोर जर ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर एक्स प्लस सिक्स थ्री फिफ्टी जर, तो सिक्स जीरो जर ज़ीरो, सिक्स फाइव जर थर्टी, जीरो के लिए ओवर थ्री, अच्छा थ्री सिक्स जर एटीन प्लस थ्री ट्वेंटी वन, तो टू वन जीरो जीरो, अच्छा डिवाइडेड बाई थर्टी वन है, तो ये क्या है भाई, न्यू सी पी है ना, तो यहाँ रुपीज़ लिखना, रुपीज़ ये न्यू सी पी है, न्यू सी पी है ना। अच्छा आप एक चीज़ देखिए अच्छे से देखिए, ये क्या आया, न्यू सी पी आया,
तो देखिए हमने फास्ट सीपी क्या लेट किया था, एक्स लेट किए थे ना, सीपी एक्स लेट किए थे, तो वही तो न्यू सीपी है ना। तो ये कि यहाँ भी कॉस्ट प्राइस है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, तो ये कॉस्ट प्राइस जो एक्स रुपये है ना, ये इसके बराबर है, ये भी तो सीपी है ना, तो दोनों बराबर होगी। अच्छा यहाँ ऊपर से थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, तो यहाँ लिखना बट सीपी इज रुपीस एक्स, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू, इसके बराबर हो जाएगी ये एक्स, इसके बराबर हो जाएगी 24x प्लस 2100 डिवाइडेड बाई 31। अच्छा इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना 31 इंटू एक्स 31x, 31x इज इक्वल टू, इसके नीचे 1 है तो 1 से इसको इंटू करने से 1 इंटू 24x इज इक्वल टू 24x प्लस 2100 इम्प्लाइज 30 इस 24 को इस साइड में ले आइए, तो 31 माइनस 24 क्या होगी 7 होगी, तो 7x इज इक्वल टू इस साइड में ऑलरेडी पॉजिटिव 2100 है, इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू ऊपर क्या है 2100 है और नीचे क्या है 7 है, तो इज इक्वल टू रुपीज 7321, तो 300 होगी। तो देखिए देयरफॉर ये एक्स की वैल्यू है ना, तो एक्स की वैल्यू एक्स क्या लेट के था कॉस्ट प्राइस है, तो इस आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस सी पी इज इक्वल टू रुपीज 300, तो ये होता है भाई आंसर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 13 की तरह सॉल्यूशन है, ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट अ गेन ऑफ 5%, इफ यू हैड सोल्ड इट एट रुपीज 63 लेस ही वुड हैव लॉस्ट 2%, फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। एक बंदा ने किसी एक चीज़ को 5% गेन पर बेचती है प्रॉफिट फॉर, तो अगर इन्होंने इस चीज़ को 63 रुपये कम बेचती, 63 रुपये कम बेचती, तो इस पर इनको 2% लॉस होता, तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, लेट करेंगे, लेट दी सी पी बी रुपीज एक्स, एक्स रुपये सी पी लेट किया था। तो देखिए यहाँ क्या हो रही है, यहाँ देखिए गेन हो रही है 5%, अच्छा गेन हो रही है 5%, गेन इक्वल टू 5%, ठीक है। अच्छा अगर इन्होंने 63 रुपये कम बेचती तो इस पर 2% लॉस होता, 63 रुपये कम कर देते सेल प्राइस को तो इस पर 2% लॉस हो जाते, तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या आते, तो हमने लेट किया कि ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस बी रुपीज एक्स, तो गेन 5% है, तो ये तो कॉस्ट प्राइस है भाई, तो इस पर गेन होगी 5%, तो देयरफॉर गेन मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू 5% मतलब 5/100 इनटू किस पर, इस सीपी पर, तो सीपी क्या है एक्स है, तो ये क्या है देखिए 5/100 5/5 5/20 100, तो एक्स बाई 20 होगी, तो ये क्या है प्रॉफिट है, तो ये हो जाएगी रुपीज एक्स बाई 20, ये क्या है प्रॉफिट है, तो यहाँ देखिए सी पी ए है प्रॉफिट ये है, तो सेल प्राइस क्या होगी, यहाँ तो प्रॉफिट हो रही है तो सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगी ना, तो देयरफॉर एस पी इज इक्वल टू, तो एस पी क्या होगी सी पी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू, सी पी क्या है एक्स है, रुपीज एक्स है, तो यहाँ सिर्फ एक्स लिखना, तो एक्स प्लस प्रॉफिट क्या है एक्स बाई 20 है, एक्स बाई 20 है, तो इज इक्वल टू आप फाइनली रुपीज लिखना, तो देखिए एक्स प्लस एक्स बाई 20, तो एक्स प्लस एक्स बाई 20 ठीक है इज इक्वल टू, इसके नीचे 1 है तो 21 20, तो 20 इंटू एक्स 20x प्लस 1 इंटू एक्स 1x, तो 20x प्लस 1x 21x डिवाइडेड बाई 20 है, तो रुपीज 21x अपॉन 20 है ठीक है, तो ये सेल प्राइस है। अब देखिए अगर 63 रुपये कम बेचती ना तो इस पर लॉस हो जाता, तो देयरफॉर अब देखिए नाउ न्यू सेल प्राइस, ये तो सेल प्राइस आया ना ओरिजिनल, तो अब न्यू सेल प्राइस क्या है न्यू एस पी इज इक्वल टू, इससे 63 रुपये कम कर देना, तो रुपीज 21x अपन 20 माइनस रुपीज 63 इज इक्वल टू रुपीज, अब देखिए 21x 21x बाई 20 माइनस 63 माइनस करना ना, तो सिंपल कर देना, तो इसके नीचे 1 है 1 इंटू 20, नीचे है 20 और 1 इंटू 21x 21x माइनस है 20 इंटू 63, तो लास्ट में तो एक जीरो आएगी, तो 263 इज़ 126, तो 126 1260, तो 21x माइनस 1260 अपन 20 है, ये क्या है न्यू एस पी है ठीक है ना भाई, सेम फायदा है क्वेश्चन नंबर 13 की तरह, तो ये है न्यू एस पी। आप देखिए
देयरफॉर न्यू सीपी इज इक्वल टू, तो इसके केस पे न्यू सीपी चाहिए ना, ये तो न्यू एसपी है तो न्यू सीपी चाहिए। बट यहाँ एक चीज ध्यान रखना, ये जो लेट किया था ना लेट डी सीपी, ये भी सीपी है मतलब न्यू सीपी है। फाइनली क्या कहा, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, तो यही फाइनल कॉस्ट प्राइस यही लिखा था ना, ये जो न्यू सीपी है वही फाइनल सीपी है मतलब कॉस्ट प्राइस है। तो न्यू सीपी, सीपी की फॉर्मूला क्या है, यहाँ मैंने मिटा दिया क्योंकि आप हमें याद हो गए यहाँ फॉर्मूला क्या है। तो न्यू सीपी की फॉर्मूला क्या होगी, यहाँ सीपी के केस है ना, तो देखिए सीपी के केस में 100 डिवाइडेड बाय यहाँ क्या है लॉस है, 2% लॉस होगी ना, तो न्यू सीपी, अच्छा यहाँ लिख देना एंड लॉस इज इक्वल टू 2%, 2% लॉस है ना। तो देखिए लॉस के केस में क्या होगी, 100 माइनस लॉस परसेंट होगी ना, लॉस परसेंट, तो यहाँ लॉस परसेंट क्या है 2 है, इनटू क्या है एसपी है, तो एसपी क्या है 21x माइनस 1260 अपन क्या है 20 है, तो इज इक्वल टू देखिए 100 माइनस 298 इनटू 21x माइनस 1260 डिवाइडेड बाय 20, आप देखिए काट करना, तो 25 are 100, अच्छा आप देखिए 98 से यहाँ किसी को नहीं कट सकते क्योंकि यहाँ 21x से 1260 माइनस करने के बाद काट पुट करना, तो इज इक्वल टू देखिए 5 by 98, अच्छा 5 से इसको इंटू कर देना, 5 से इसको इंटू करनी पड़ेगी फास्ट, तो 5 21 are 105, यहाँ x है तो 105x माइनस 5 से इसको भी इंटू करना, 5 0 are 0, अच्छा 5 6 are 30 0 करी ओवर 3, 5 2 are 10 plus 3 13 3 करी ओवर 1, 5 1 are 5 plus 1 6 है तो 6 3 0 0 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, नीचे तो 98 है ना, 98 है ठीक है। तो ये क्या है न्यू सीपी है, ये न्यू सीपी है ना, हाँ न्यू सीपी है, तो यहाँ रुपीस लिख देना, रुपीस इज इक्वल टू रुपीस इतने हैं। आप देखिए यहाँ सीपी तो एक्स लिख किया था ना, तो देखिए बट सीपी इज इक्वल टू रुपीस एक्स, तो इसका मतलब क्या है, ये भी सीपी है ये भी सीपी है, तो ये जो सीपी है इसके बराबर होगी, इसकी बराबर होगी, तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 105x माइनस 6300 डिवाइडेड बाई 98, तो इम्प्लाइज आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, 98 into x 98x इज इक्वल टू 105x माइनस 6300 ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा काट कर देना, तो देखिए इन ये जो 105x है ना इस साइड में ले आइए, या फिर 98x को इस साइड में लाया जाए और 6 माइनस 6300 को इस साइड में लाया जाए तो क्या होगी, देखिए इस साइड में इसको लाया जाए तो पॉजिटिव होगी, तो इम्प्लाइज 6300 इज इक्वल टू, इसको इस साइड में लाया जाए तो माइनस होगी, तो 105x माइनस 98x तो 7x होगी, 7x, तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 6300 नीचे 7 हो जाएगा, x के कोएफिशिएंट 7 है ना, तो इज इक्वल टू 900, तो देयरफॉर तो देखिए x की वैल्यू 900 आया ना, x की वैल्यू 900 है, तो इसके मतलब क्या है, जो सीपी है ओरिजिनल जो सीपी है ये रुपीज 900 है, देयरफॉर सीपी इज इक्वल टू रुपीज 900, तो ये हुआ भाई फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ए ड्राइंग रूम सेट इज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 16%, इफ द सेलिंग प्राइस हैड बीन रुपीज 1000 मोर द गेन वुड हैव बीन 20%, व्हाट डिड द कॉस्ट प्राइस, व्हाट डिड द सेट कॉस्ट। तो ये भी 13 और 14 नंबर की तरह है ठीक है, तो ये किसी एक ड्राइंग रूम की सेट है, इसको 16% प्रॉफिट पर बेचा गया, अगर इसी ही सेट को ड्राइंग रूम के सेट को 1000 रुपये ज़्यादा बेचा जाता तो इस पर 20% प्रॉफिट आता, 20% प्रॉफिट आता, तो आप देखिए गेन कितने परसेंट है, 16% प्रॉफिट है इस पर, प्रॉफिट है ठीक है ड्राइंग रूम सेट पर। अच्छा अगर यहाँ 1000 ज़्यादा बेचा जाता है, इसको प्लस 1000 मतलब 1000 एक्स ज़्यादा बेचा जाता ज़्यादा प्राइस पर, तो इस पर 20% प्रॉफिट आ जाता, 20% प्रॉफिट आ जाता ठीक है, यहाँ तो ओरिजिनली 16% प्रॉफिट पर बेचा जाएगा, तो अगर 1000 ज़्यादा बेचा जाता तो इस पर प्रॉफिट 20% आता, तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या आती है। तो यहाँ देखिए सेम तरीके में सॉल्व कर लेंगे भाई, यहाँ भी लेट करेंगे सेम, लेट डी सी पी लेट सी पी बी रुपीज एक्स, कॉस्ट प्राइस एक्स रुपये है। अच्छा तो देखिए इस पर 16% प्रॉफिट है, तो देयरफॉर प्रॉफिट यहाँ देखिए प्रॉफिट कितने हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू 16%, ये गिवन है, ऐसे ही लिख सकते हैं अगर ना लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 16% प्रॉफिट है ना, तो
तो किस पर 16% प्रॉफिट? कॉस्ट प्राइस पर, और कॉस्ट प्राइस क्या है? एक्स रुपये। तो 16% मतलब 16/100 इंटू कॉस्ट प्राइस मतलब एक्स है, तो इज इक्वल टू 16x/100। तो देखिए 16/100, तो 4 4 16, 4 25 100, तो 4x/25 होगी, तो यह रुपया हो जाएगी, ये तो पैसे है ना, तो रुपीज़ 4x/25 है, यह क्या है? प्रॉफिट है। तो देयरफॉर ये क्या है? सीपी है। तो आप एसपी निकालना, एसपी इज इक्वल टू, अच्छा जब प्रॉफिट होती है तो सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी होते हैं ना, तो एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू, सीपी क्या है? सीपी इज रुपीज एक्स है, प्लस प्रॉफिट कितने हैं? रुपीज 4x/25 इज इक्वल टू रुपीज, तो एक्स प्लस 4x/5, एक्स प्लस 4x/25, तो देखिए 25x प्लस 4x 29x, 29x डिवाइडेड बाई 25 हो गया, ठीक है, तो 29x/25 हो रही है, ठीक है। तो आप देखिए ये तो एस पी है ना, आप देखिए न्यू एस पी इज इक्वल टू, अगर 1000 रुपया ज़्यादा बेचा जाए 1000 प्लस, तो देखिए न्यू एस पी इसके साथ 1000 ऐड हो जाएगी, न्यू एस पी इज इक्वल टू रुपीज 29x/25 प्लस रुपीज 1000 इज इक्वल टू रुपीज, तो देखिए 29x/25 प्लस 1000 तो इज इक्वल टू, नीचे तो 25 ही होगी ना, तो 29x प्लस 25 into 1000 25000, तो यहाँ क्या हो रही है 29x/25000 डिवाइडेड बाई क्या है? 25 है भाई, ये क्या आ रही है? ये न्यू एसपी आ रही है, ठीक है, तो इसके मुकाबले न्यू सीपी क्या है? Therefore, न्यू सीपी, वही न्यू सीपी देखिए ओरिजिनल सीपी होगी जो हमने एक्स लेट किया था ना, तो इसके बराबर होगी, तो न्यू सीपी इज इक्वल टू न्यू सीपी की फॉर्मूला क्या है? सीपी यहाँ देखिए कितने परसेंट गेन होता, अगर 1000 रुपये ज़्यादा होता तो 20% गेन होता, तो यहाँ सीपी है गेन है, तो यहाँ देखिए एसपी है गेन है, तो हमें क्या चाहिए, कौन सी फॉर्मूला लगेगी? 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मतलब गेन परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट कितने? 20 है, तो 20 इंटू क्या है? एसपी है, तो एसपी क्या है? ये 29x/25000/25, तो देखिए इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 20 इंटू 29x/25000 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है? 25 है, तो आप देखिए इस जीरो से यहाँ की कोई जीरो नहीं कटना, गलत हो जाएगी, इन दोनों को प्लस करने के बाद कटना, तो यहाँ तो प्लस नहीं होगी, ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, तो इससे इसको काट सकते हैं या फिर इससे इसको यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, तो आप देखिए 25 4 100, अच्छा 4 30 120, तो यहाँ क्या रहे 29x+20 इज इक्वल टू 29x+25000 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है? 30 है ना, यहाँ भी देखिए सीपी लेट किया था x, तो देखिए बट सीपी इज रुपीज एक्स, तो इसका मतलब क्या है? ये जो x है इसके बराबर है, ठीक है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू ये है 29x+25000 डिवाइडेड बाई 30 है, तो इम्प्लाइज 30 इंटू x 30x इज इक्वल टू 29x+25000, तो इम्प्लाइज देखिए 29 को इस साइड में ले आइए, ये दोनों तो लाइफ टाइम है, तो 30 माइनस 29 1, तो 1x मतलब x, तो x इज इक्वल टू इस साइड में 25000 है, तो x की वैल्यू 25000 आया, तो इसका मतलब क्या है? x क्या लेट कहते cp है, तो ओरिजिनल cp कितने? 25000 है, तो therefore cp इज रुपीज 25000, ठीक है, तो देखिए कितनी इजीली निकल आए आज के वीडियो में, सिर्फ इतने तक, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में बाकी जितने क्वेश्चंस हैं सॉल्व कर दूंगा, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद।